हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, CSIR ने एक अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उसने बताया है कि अगर आपने अपना जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसे अगर आपने टाइम पे नहीं सबमिट किया तो आपका जो फेलोशिप है वो रोक दिया जाएगा। तो आज हम देख लेते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है CSIR से रिलेटेड या कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो नीट हो, चाहे ICMR या DVD, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड जो आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं CSIR का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आप गूगल पे CSIR सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, csirhrdg.res.in। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो CSIR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख लीजिए जो एक नोटिफिकेशन दे रखा है, शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल ऑब्लिक कंसोलिडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय CSIR रिसर्च फेलो। और ये जो नोटिफिकेशन, ये 15 मई को आ गया था। थोड़ा मैं लेट हो गया, CSIR की वेबसाइट मैंने चेक नहीं की, इसलिए थोड़ा लेट से मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसर जो नोटिस है CSIR का वो दे रखा है। तो देखिए, ये जो नोटिस है 15 मई 2020 को ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था CSIR की वेबसाइट पर। तो इसमें दे रखा है कि ऑल रिसर्च फेलोज आर सपोज टू सबमिट फॉलोइंग रिपोर्ट्स एज पर शेड्यूल गिवन बिलो, इन द एब्सेंस ऑफ विच फेलोशिप पेमेंट विल नॉट हैपन। तो इसमें साफ सा बताया गया कि अगर आप अपना जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है अगर उसे टाइम पे आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो फेलोशिप पेमेंट है वो रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम JRF SRF नेट कैटेगरी में। तो इसमें जो पीरियड दे रखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स सिंस ज्वाइनिंग, मतलब अगर जब से आपने तो फेलोशिप स्टार्ट की है तो उसके 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक 3 मेंबर इवेल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट जो है वो अलॉन्ग विद दैट 2 ईयर्स कंसोलिडेटेड एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड PhD रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, तो ये 3 डॉक्यूमेंट ये आपको सेंड करना है CSIR के पास, तभी जाके आपका जो अपग्रेडेशन होगा वो JRF से SRF में होगा। अगर आप लोग इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो अपग्रेडेशन है वो रुक सकता है। जैसे मेरे कुछ कलीग्स का जो अपग्रेडेशन था वो रुक गया था। क्यों रुक गया था? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका जो अपग्रेडेशन है JRF टू SRF में वो रुक गया था, जिसकी वजह से उनका जो फेलोशिप आया था वो बहुत ही लेट आया था। इसलिए आप ये गलती मत करिएगा, आप 3 मेंबर इवेल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट, उसके साथ साथ 2 ईयर्स का रिपोर्ट और PhD रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि ये PhD रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ये मस्ट है, इसे आपको सेंड करना ही करना है। ठीक है, तो दूसरा हम देख लेते हैं JRF SRF नेट, यानी कि अगर आपका 3 ईयर कंप्लीट हो गया है ज्वाइनिंग के बाद, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd ईयर सिंस ज्वाइनिंग, तब आपको एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सेंड करना है, और इसे सिर्फ आपको रिसर्च सुपरवाइजर से ही साइन कराना है। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका जो है 1 ईयर का एक्सटेंशन हो जाएगा SRF का। उसके बाद नेक्स्ट आता है SRF नेट, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर सिंस ज्वाइनिंग, मीन ज्वाइनिंग से 4 साल के बाद आपको अगेन दोबारा 3 मेंबर इवेल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट सेंड करनी, उसके साथ ही साथ एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सेंड करनी। तो ये दोनों आपको सेंड करना है। उसके बाद जो आपका फेलोशिप है वो एक्सटेंशन लेटर जो है वो इशू हो जाएगा EMR सेक्शन से। और इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th, यानी कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको कंसोलिडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट डुली साइन बाय रिसर्च सुपरवाइजर, ये आपको सेंड करना है। और यहाँ पे आपका 5 ईयर, जैसे आपको फेलोशिप मिल जाएगी तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ये जो फेलोशिप है ये मोस्ट मेनली सिर्फ 5 ईयर तक मिलती है, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते तो अप टू 5 ईयर, अगर सेकेंड ईयर में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से लेके 5 ईयर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें SRF डायरेक्ट की, तो इसमें भी दे रखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सिंस ज्वाइनिंग एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो बाकी सब भी सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें जो शेड्यूल दे रखा है ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। अब ये शेड्यूल आप फॉलो करेंगे करना है, इसके बाद आपका जो फेलोशिप है वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था CSIR से रिलेटेड, जिसमें बताया गया कि अगर आप अपना जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अगर सेंड नहीं करेंगे तो आपका फेलोशिप जो है वो रुक सकता है। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि रिसर्च फेलो इज टू सबमिट द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 6 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट। इसमें बताया गया कि अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आप 1 ईयर से पहले भी जो रिपोर्ट है सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिपोर्ट है आप पहले सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप जो है
6 मंथ के बाद ये जो रिपोर्ट है वो सेंड करे। तो मतलब अगर आपका जुलाई में जो JRF या SRF कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप 6 मंथ, विदिन 6 मंथ यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, नॉट मोर देन 6 मंथ। तो इसके लिए जो एनएक्सर ऑलरेडी दे रखा है, इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये रिपोर्ट को आपको सेंड करना है बाई ईमेल टू द, ये ईमेल आईडी दे रखी है फेलोशिप्स DOC@CSIHRDG.REA.IN, और इसे कॉपी, इस कॉपी आपकी रिपोर्ट को कॉपी करके भेजना है इस दो मेल आईडी पे भी, तो SOEMR1 भी है और दूसरा क्या NBBHOI, तो इन दोनों पे भी आपको अटैचमेंट लगाना है, या हम कह सकते हैं कि आपको इन तीनों मेल आईडी पे अपनी जो सॉफ्ट कॉपी उसे सेंड करना है, और साथ ही साथ आपको जो अपनी हार्ड कॉपी है एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट की वो भी सेंड करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा, ये मेरा एक छोटा सा अपडेट था रिगार्डिंग द एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपकी सेंड करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 2 ईयर ऑफ JRF, देन लाइक फर्दर 1 ईयर ऑफ SRF, देन 2 ईयर ऑफ SRF लाइक डेट। तो अगर आप अपना जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये अगर सेंड नहीं करेंगे तो आपका फेलोशिप जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।